में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर आज भी देश भर में गुस्सा है। पीड़िता के लिए न्याय और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर सड़कों पर हैं। इन सब के बीच करीब दो महीने की जांच के बाद सीबीआई ने पहला आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। आरोप पत्र में गिरफ्तार संजय रॉय के खिलाफ डीएनए और ब्लड सैंपल रिपोर्ट जैसे 11 सबूत पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा कि घटना के दौरान पीड़िता ने संजय का विरोध किया था, जिसकी वजह से संजय को चोट आई। विक्टिम के संघर्ष के निशान संजय की बॉडी पर मिले हैं। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले और जूतों पर वी के खून के धब्बे पाए गए थे। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के बयान के बाद 12 अगस्त को इस सामान बरामद किया था। जिस जगह घटना हुई वहां भी संजय रॉय की मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज में पाई गई। इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन में भी ये कंफर्म हुआ कि वो घटना स्थल पर मौजूद था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये भी बताया कि पीड़िता की जान दम घुटने और गला घोटने की वजह से गई। बता दें कि इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल कर रही हैं, जिसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA भी शामिल हो गई है। आज FAIMA देश भर में भूख हड़ताल कर रहा है।